ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग लेके आए हैं और वो टॉपिक है कर्मा रीडिंग। सो ये कर्मा रीडिंग होगी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज को लेकर, कि जिस तरह से उन्होंने आपके साथ डील किया है, आपको अच्छा फील नहीं कराया है। और ज़रूरी नहीं है कि सबके पार्टनर्स ने ही उनके साथ गलत किया है या जो भी है, या थोड़ा बहुत जिसकी भी पार्टनर्स के जो भी साइंस के अकॉर्डिंग आएगी, मैं एरीज या जो भी साइंस हैं उन सबके साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग निकालूंगी। और ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर्स ने एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है और परेशान किया है, सो उसके अकॉर्डिंग है। और ये सब पर एप्लीकेबल नहीं होती, तो इसलिए वही लोग बेटर होगा देखें जिनके जेन्युइनली एक टफ टाइम दिया है उनके पार्टनर्स ने, ठीक है। सो ये थोड़ी सी स्पेसिफिक रीडिंग है, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन। तो इसलिए कोई अजीब सा कमेंट मत करने लग जाना कि ये मुझसे नहीं मैच करता या ये उससे नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोल दिया है। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग कुछ ऐसा ना लिखें। बाकी ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे ऐसे ही लीजिएगा। और जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू ऑल। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें, और जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स सेजिटेरियस, आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे हो गए। सो हम देखते हैं क्या है आपके पार्टनर का कर्मा, क्या फेस कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में आपको इतना बुरा फील करा के। मोरालिटी का कार्ड आया है, देन वी हैव क्रिएटिविटी, द रेबेल, द बर्डन एंड रीबर्थ। सो फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे आपके पार्टनर के कार्ड्स दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने कभी भी चीज़ों को नैतिकता के साथ नहीं किया। नैतिकता वो चीज़ होती है जहाँ पर एक इंसान को कहीं ना कहीं इस तरह का बिहेव करना होता है जहाँ पे वो सही और गलत में फ़र्क करे। एक इंसान जो एक लाइन ड्रॉ करे कि उसे ये पता हो कि क्या सही है और क्या गलत है। इवन अगर वो इंसान आपके साथ गलत भी कर रहा होता था या गलत उसने बिहेव भी किया है, तब भी उसने उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया है, उन्हें माना नहीं है, और फिर भी उन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव किया है और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा नहीं फील कराया है। इनफैक्ट मुझे कई लोगों का ये भी लगता है कि रिबेल के कार्ड से कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको आपके साथ एक ऐसा फेज़ लेके आए हैं जहाँ पे आपको शायद कुछ लोगों को चीट भी किया है और बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है आप लोगों का। सो समवेयर ये पर्सन, जहाँ तक एज पर द एक कहते हैं ना, एक तरीका होता है ज़िंदगी को जीने का, एक तरीका होता है लाइफ को आगे लेके जाने का, पर इसने वो सब चीज़ें नहीं करी। ये कुछ अपनी ही धुन में रमादा रहे, अपनी ही धुन में चलते रहे, अपनी ही धुन के अकॉर्डिंग इन्होंने हर चीज़ को सोचा, देखा, परखा, और कहीं ना कहीं ये अपनी ही इन्होंने एक दुनिया और एक कहानी बना ली, और फिर उसी को मानकर इन्होंने आपके साथ गलत किया। बट अब इनका कर्मा टाइम है, अब ये फेस कर रहे हैं। ये कर्मा रीडिंग में इनका दिख रहा है कि इन्होंने ये जो रिबेल अपने आप को बनाया, जो अपने आप को इन्होंने रिबेलियस बनाया और आपको बुरा फील कराया, आपके और इनके रिलेशनशिप को जो बहुत ही ब्यूटीफुल था उसको एक बोझ बना दिया, एक बर्डन बनाया, जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ इनके तरफ झुके थे, रुके थे, और आपको बहुत उम्मीदें थी इस पर्सन से। बहुत ज़्यादा आप सोचते थे कि ये मुझे लाइफ की वो सब हैप्पीनेस देंगे, बहुत मुझे एक अच्छा फील कराएंगे लाइफ में। बट समवेयर दिस पर्सन हैज़ एक बुरा नाइटमेयर, एक बहुत बुरा सपना बना दिया हर चीज़ को, और कहीं ना कहीं आप अब सोचते हैं कि मुझे अच्छा ही हुआ ये पर्सन मेरी लाइफ से चला गया। बट ये लाइफ में अभी फ़िलहाल ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं, और यहाँ पर कार्ड्स में यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इनका रिबेलियस वे था, अब कहीं ना कहीं इनकी खुद की लाइफ बोझ हो गई है। इनको अपनी लाइफ ज़ीरो से दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ रही है। इनको ही खुद को समझ नहीं आ रहा कि अब अपनी लाइफ को किस तरह से ये आगे लेकर जाएं और उसको संभालें,
क्योंकि दूसरों की लाइफ ख़राब करने से या दूसरों को हर समय गलत ठहराते रहो, यू हैव टू चेक कि आप भी कितने गलत हो, ठीक है। और क्रिएटिविटी के कार्ड से मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि इवन इफ़ ही इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, वो कर नहीं पा रहे, चीज़ों में वो नयापन आ नहीं पा रहा, क्योंकि इनका खुद का एटीट्यूड बहुत रॉन्ग है। एक इंसान जिसका खुद का एटीट्यूड बहुत रॉन्ग हो, वो कभी भी किसी के साथ बेटर नहीं फील कर सकता, क्योंकि उसको दोबारा से ही चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, सो एकदम न्यू स्टार्ट करना पड़ रहा है इस पर्सन को, हर चीज़ को। सो आप थे जो आप स्टेबिलिटी लाते थे, जो आप हैप्पीनेस लाते थे इनकी लाइफ में, समवेयर दैट हैप्पीनेस इज गॉन। सो देखते हैं क्या है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस कर्मा रीडिंग में। सो कर्मा रीडिंग में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है? When this person is suffering, what should you do? Emotional withdrawal. तो डिवाइन आपसे कहते हैं कि इस पर्सन से बिल्कुल दूर हो जाएं, बिल्कुल इमोशनली इससे जितने भी आपके बॉन्ड्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उसे ख़त्म कर दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है इसके साथ अब जुड़ के या इसके बारे में सोच के या इसके तरफ कोई भी एफर्ट करके, ठीक है। अगला है पेशेंस। अपनी लाइफ में पेशेंस आपने बहुत दिखाई है और आगे भी आपको उसी पेशेंस को कंटिन्यू रखना है और उसे एक अच्छी बात पे ही आपको चलना है, बट नॉट विद दिस पर्सन। एंड नेक्स्ट वी हैव थर्ड आई चक्रा। सो थर्ड आई चक्रा मीन्स जो आपकी तीसरी आंख है, आपको अपने इंट्यूशन से चलना होगा, अपने दिमाग से चलना होगा, अपने दिल से चलना होगा, और ये चीज़ें सोचनी होंगी कि किस तरह से आप सिचुएशन में आगे डील करेंगे, चीज़ों को आगे समझेंगे, और कोई भी जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीज़न नहीं लेंगे आप, ठीक है। सो सैजिटेरियस, ये है आपकी रीडिंग फ्रेंड्स, होप आप इससे रेजोनेट कर पाए हों। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें। मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूँगी फ्रेंड्स। सो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।